हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड नॉकर। आज के वीडियो में हम एक सिलोलिज्म देखेंगे। तो अभी का जो SBIPO और जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें सिलोलिज्म के कुछ नए टाइप के सम्स भी आ रहे हैं। तो एक उसी में से एक नया टाइप नया पैटर्न का सम्स मैंने लिया है आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें दिया क्या होता है देखिए, ये क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ इस तरह दिखा होता है। फ्रॉम द बिलो स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड इफ इट इज नॉट कंसिडर इन स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट विल बी योर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो डायरेक्टली चार स्टेटमेंट दिए होते हैं जिसमें से हमें एक आंसर टिक करना होता है। तो इसमें करना क्या है पहले आपको बता दिया, एक क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो हम इसमें से हमें ऐसा स्टेटमेंट फाइंड करना है जो बाकी तीन स्टेटमेंट हम अगर कंसिडर करेंगे और अगर उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो भी वो हमारे इसमें आ सकता है। ओके, तो देखिए इसको करना कैसे। तो कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्टली आप ये ड्रॉ करने के लिए ले लीजिए वेन फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम, उसके बाद बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो पहले क्या देखना है, देखिए सम बाइक्स आर कार, तो सम बाइक्स आर कार। नेक्स्ट ऑल बाइक्स आर ट्रक्स, ऑल बाइक्स आर ट्रक्स, मतलब ये ऐसे आना चाहिए ऑल बाइक्स आर ट्रक्स। नेक्स्ट है सम ट्रक्स आर कार, देखिए ट्रक और कार ऑलरेडी ड्रॉ किया है, उनमें कुछ रिलेशन बन रहा है सम का, मतलब ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है ऑल व्हीकल्स आर बाइक, ऑल व्हीकल्स आर बाइक, तो बी इसके अंदर आएगा। ओके देखिए तो इसमें आंसर कैसे फाइंड करना है। तो देखिए हमें वो स्टेटमेंट फाइंड करना है जो बाकी के तीन स्टेटमेंट को कंसिडर करके और उसको अगर कंसिडर ना करके फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने जो भी ड्रॉ किया उसमें एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसको ड्रॉ करने का मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा, वो क्या था, सम ट्रक्स आर कार, यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का मीनिंग भी वही है। देखिए फिर से पढ़ता हूँ, फ्रॉम द बिलो स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड इफ इट इज नॉट कंसिडर इन अ स्टेटमेंट। मतलब यही था कि बाकी के तीन कंसिडर करके अगर हमारा जो आंसर वाला स्टेटमेंट है उसको कंसिडर नहीं करेंगे वो स्टेटमेंट को हमें फाइंड करना था। देखिए इसको सॉल्व करना ऐसा ही है, पहले ड्रॉ करने लीजिए, अगर हमारा एक स्टेटमेंट आपको ऐसा मिलेगा जिसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वही हमारा आंसर होता है। ओके इसी तरह सॉल्व कीजिए ये वाले सम। ये दूसरा सम देखिए थोड़ा ट्रिकी सम है। हाँ तो इसमें क्या लिखा है, सम एप्पल्स आर पोटैटो, सम पोटैटोस आर ग्रेप, और ग्रेप्स आर एप्पल, और मैंगोस आर एप्पल। इसको पहले ड्रॉ करते हैं, सम एप्पल्स आर पोटैटो, सम एप्पल्स आर पोटैटोस। नेक्स्ट सम पोटैटोस आर ग्रेप्स, सम पोटैटोस आर ग्रेप्स, तो ग्रेप्स यहाँ पे लेते हैं ग्रेप्स। देन ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, अरे ग्रेप्स यहाँ पे आया, रॉन्ग कर दिया। देखिए ये ट्रिक में यही हमारा क्लू है आंसर फाइंड करने का, अगर आपको ड्रॉ करते ऐसा कुछ रॉन्ग आ गया तो आपका आंसर ये पहला ही होगा। इसको फिर से ड्रॉ फिर से एक बार आपको क्रॉस चेक करने के लिए सॉल्व करके बताता हूँ। अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं उस फर्स्ट से नहीं लेते, सेकेंड से ले ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या था, सम पोटैटोज आर ग्रेप, देखिए सम पोटैटोज आर ग्रेप्स। नेक्स्ट क्या था, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। नेक्स्ट ऑल मैंगोज आर एप्पल, मैंगो इधर आएगा एप्पल। अभी देखिए सम एप्पल्स आर पोटैटो, सम एप्पल्स आर पोटैटो, समझ गए। अगर हमारा आंसर फर्स्ट है तो आप जो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं वहां पे गलती कर देंगे, और वो गलत हो गया मतलब समझ लीजिए कि हमारा पहला ही आंसर है। तो क्रॉस चेक करने के लिए आप सेकंड थर्ड पहले फोर्थ ड्रॉ कीजिए, उसके बाद पहले वाला चेक कीजिए कि उसको ड्रॉ करने की जरूरत है कि नहीं है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया कि कैसे करना था। अगर आप प्रैक्टिस के आपको पता चल जाएगा कि हमारा पहला स्टेटमेंट ये आंसर है तो आपका वेन डायग्राम स्टार्टिंग में थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ से ड्रॉ करेंगे तो वापस आ जाएगा। फिर से बताता हूँ इसमें करना क्या है, ये वाले सब में आपको चारों इनिशियली वेन डायग्राम ड्रॉ करने लीजिए, उसमें आपको एक ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जिसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लाइक दिस एंड दिस, दैट इज योर आंसर। ओके तो ये था सिलोजियम का नया पैटर्न पैटर्न वाले सम, इसमें डायरेक्ट चार क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए होते हैं उसमें से आंसर फाइंड करना होता है। ओके आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अगले वीडियो के लिए आप वीडियो का उससे आपको सबसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके थैंक यू।